पराठे तो जन्म लेने ही गुनाह हो गया। पापा जो है वे माता चामुंडा का पुजारी है, बहुत कम लोगों ने मालूम है कि मारो नाम गुलाब कैसे हो और मन ले जान जंगल में गाड़ दिया। चीज रो डर हो वही हो आ छोरी तो समाज रे माथे रे ऊपर कलंग हो और ज्यादा ही कलंग लगाई हो। महारानी गायत्री देवी जी ने के वो बंद करवा दिया, बोले इनका बैठना बंद करो जब तक वो लड़की नहीं आई। पापा जैसे सपने मार मैंने जगाया तो मार से भागी जी हो जंगल रे मैंने ओढ़ता जो दूध पिलावे है ना सांपा ने, बस वो बच्चे जो दूध में है ना पिला दूध। मैं चाहूँ कि घर घर में गुलाबो हो कि हमारी माँ धरती माता रे पेट में से कार्ड ला सके, तो कहीं आप अपने पेट रे बच्चे ने नहीं बचा सको। राम राम साहब और नाम है दीप और ते सब देख रहे हो झलको राजस्थान। आप जो को झलको राजस्थान चैनल है वो थाने हमेशा बढ़िया बढ़िया शख्सियतों है जो को रूबरू है जो को करवा तो रिया करे, तो आप जो को चैनल है बिना सब्सक्राइब कर करने जो को बेल आइकन में दबा लो। और अब आज जगह फ्रेम में देख रहे हैं वो बयान तो परिचय देवा की जरूरत को ना, पर मैं थाने सबने बता दूँ ये है पद्मश्री गुलाबो जी सपेरा। और सब बढ़िया बात बताऊँ अबार थाने की आकर नाम का अगर डॉक्टर की उपाधि है भाभी लाग गई है, तो एक बारे में भी बात कर सा और आपको जो जीवन को जो संघर्ष रियो है वो बहुत ज़्यादा थाने इंस्पायर कर बड़ो है, तो वीडियो है जो थाने पूरा देखना है। घणो घणो आपको स्वागत है झलको राजस्थान रे जी। राम राम सर। आप देखा हाँ कि एक इंसान जो को या करे जद जन्म ले लेवे है बिका शायद कुछ साल बचपन निकला बाद में बिका जीवन में संघर्ष आया जना वो सोचा कि मन का ही करना है। पर जब मैं आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हो काम हमारे इंटरव्यू लेवा आ रहे हो तो मैं देखियो कि आपको तो जीवन शुरुआत ही संघर्ष हुई है, तो भी बारे में थोड़ा सा बताओ। जन्म ही जन्म से जो लोग है ना कुछ काम करे या फिर लोग कुछ ऐसी कुछ करे तो मेरे साथ परेशानियाँ हो, पराठे तो जन्म लेने ही गुनाह हो गयो। जन्म लेते ही परेशानियाँ स्टार्ट हुई, लोगों ने मतलब बुरो लगे कि जन्म कैसे हुई। मैं मारे जन्म के बारे में बताऊँ थाने कि मैं लोग हाँ वो सांपा ने नचा वाला घर घर जा हमारी पूजा करा वाला लोग हाँ, और माने कालबेलिया भी बोले सपेरा भी बोले और जोगी भी बोले। असली में लोग जोगी हाँ नाथ ही हाँ गरुकनी पनाथ जी का शिष्य यहाँ में और जंगल में रहवा सांपा ने नचावा वहाँ झेर निकाला और घर घर जा हमारी पूजा करावा पूंगी बजावा और डफली री थाप पे बस वही मारो काम है। और वे समाज में एक रिवाज हो कि लड़कियां ने नहीं रखनी है ज़्यादा क्योंकि अब जंगल में रहवा और रोटी पानी रो कोई पतो को नहीं, कपड़े लते रो कोई पतो को नहीं और रहवा खटे ठिकानों को नहीं, तो ये चीज़ें सब ने देखते हुए एक रिवाज बनाया हमारे समाज में कि बेटियां ने नहीं रखना ज़्यादा। और गुरु कनिपा नाथ जी रो वो आशीर्वाद हो कि भाई थे लोग नाथ हो तो नाथ रहे हिसाब से रहो, तो जिम्मेदारियाँ थी और कुछ नाथ पंथ में आ तो बस बहुत सारी चीज़ें ही मेरे मायने, तो समाज में रिवाज बनाया कि बेटियाँ नहीं रखनी है, एक बेटी रख लो आंगन कमारो नहीं रहे या कोई रख लो कोई नहीं रखे, तो ये वास्ते एक बेटी रखना अलाउ हो बाकी नहीं। तो समाज में कि जैसे मार पेट में से जन्मे वैसे वैसे आप धरती रे मायने ले जा रहे गाड़ दो ताकि वह एक मार पेट से जन्म लेवे और दूसरी माता रे पेट में चली जावे, तो ए तरीके से मानो और रीति रिवाज हो समाज में। और वही समाज रे मैंने मैं जन्मी। हमारे समाज में जो है पहले मारो पापा और मेरे दादा रे बनी को नहीं, मारे दादा के बोला यो समाज रो रूल निमानो पड़ी मेरे पापा रे शादी हुआ बाद पापा एक ही चीज़ बोली कि मैं मारे बेटी हुई या बेटो हुई हो मैं थारो और रिवाज निमावाड़ो नहीं हूँ, क्योंकि पापा जो है वे माता चामुंडा का पुजारी है और वे कहता कि मैं जे माता री पूजा करूँ, मैं दीपावली री पूजा करो लक्ष्मी माता री के धन पावर लिए, सरस्वती री पूजा करो संगीत के लिए और शक्ति रे लिए आप दुर्गा माता है चामुंडा माता है और आप जन्म रे लिए माता ने याद करो, पर वे माता ने तो थे जन्मता ही मार दो और जन्मता ही गाड़ दो जमीन में। तो मेरे पापा एकदम बिल्कुल ए रूल से खिलाफ, और पापा रास बाबरारा मेरे वाला बड़े से छोड़ अजमेर आन रे वाले गया पापा अलग से। तो पापा रे पहले एक बेटी हुई दूसरी हुई तीसरी बेटी हुई और फिर तीन बेटा होया और फिर पाँच साल तक का ही नहीं हुए, फिर माता री पूजा करता करता माता से वरदान मांगता मांगता सातवें नंबर पर मारो जन्म हुए शाम 7 बजे धनतेरस रो दिन हो वो और सामरी जन्मी पापा घरे हार नहीं। तो जैसी जन्मी सामरी तो औरता बोली के तो मेरे पहले तीन बेटियां हैं घनी और क्या करा मैंने अपने रिवाज में ले ला साथ में, माँ ने बतायो नहीं और मैंने ले जा जंगल रे मैंने नाड़ो काटियो नहीं और मैंने ले जा जंगल में गाड़ दिया। मारी माँ जब पूछी कि भाई मारे बेटो या बेटी रोयो तो बच्चों तो जिंदो जन्मियो पर अभी तक आयो कौन मारा गोदी रे मैंने, औरता धमकाड़ चली गई और मेरी मासी बतायो कि थारे लड़की हुई जिन्हें जमीन में गाड़ दी। तो मेरी माँ रोवा लगी और मेरी मासियों भीख मांगवा लगी कि भाई तू कैसे भी कर मेरे पास जगह बता, किसी जगह मेरी बेटी ने गाड़ी और मैं चार महीने ले ना हूँ। मेरी मासी की जगह नहीं बताऊँ अभी मैं, क्योंकि अभी समाज री औरता आदमी सब जाग रहा है भाई अभी तो 8-9 बजी
तो इस तरीके से मेरी माँ रात्रि 12 बजे कहती रही कि मैंने जगह बता दे, मारा विश्वास है मेरी बेटी जिंदा मिलेगी। लेकिन मेरी मासी की कि 5 घंटा हो गया, मर गई होगा, लेकिन मेरी माँ रो विश्वास जीती और मेरी माँ विश्वास और उम्मीद छोड़ी नहीं। और जार जब मेरी मासी के साथ में जार जठे गाड़ी वटे से मैंने निकाली तो मेरी माँ ने भी जिंदा मिली। तो मैं तो बीचों बीच में मैसेज भी दूँ हर माँ ने हर बाप ने कि आप भी ऐसे कर सको तो कन्या भ्रूण हत्या जो होवे वह नहीं होवे, प्रोग्राम भी नहीं चले कन्या भ्रूण हत्या रहा, तो आप भी ऐसे कर सको कि हमारी माँ धरती माता रे पेट में से कार्ड ला सके, तो कहीं आप अपने पेट रे बच्चे ने नहीं बचा सको, आप बचा सको, आप में हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, बाद में जो बचपन रही हो आपको वो यान को रही हो कि आपका पापा आपने साथ ही लेट जाता, क्योंकि माने जान आप बताइयो कि डर हो माने समाज की खटी ये छोर ने जिंदी तो रख दी पर समाज वाला मार नहीं दे, और समाज वाला आई बात बोली कि छोर ने रख तो ली पर बोला जिएगा नहीं, इन्हें तो कदे न कदे मरना ही है क्योंकि समाज से रूल खिलाफ थे इन्हें रखी, तो पापा डरता और वो सांपा नचावन लेट जाता जब मेरे साथ ही लेट जाता। तो क्या को रही हो बचपन आपको? तो बस वही 6 महीना रही ही मैं और पापा साथ ले जब स्टार्ट कर दिया और बस पापा साथ में माँ पूछती भाई बच्ची जब रोवे तो थे कहीं देव कहीं खिलाओ पिलाओ, तो मेरा पापा पता कहीं कहता है अरे पागल ओढ़ता जो दूध पिलावे नहीं सांपा ने बस वो बच्चे जो दूध में है ना पिला दो, तो मेरी माँ के रो बापरे सांपरो एंटोड़ो दूध पिलाओ के बोले कोई बात नहीं जेर निकालोड़ो सांपर, और आ तो वैसे सांपर साथ ही खेले कूदे पड़े खाई धरती माता में गड्डियोड़ी है रो कही बोले रो कहीं को नहीं बिगड़ सके, मेरी स्पेशल बेटी है, तो पापा हमेशा मैंने स्पेशल कहता और आए कहता कि मेरी बेटी दो दो माँ हमारे पेट से जन्म लियोड़ी, एक माता रो 9 महीना रे एक माता रे 5 घंटा। तो बस पापा रो साथ मेरी 2-3 साल तक मैं पापा साथ ही नाचती रहती है, फिर 1.5 सैलरी हुई तो 2-1 सैलरी हुई जो पका पे खड़ी होने लगी तो मैं सांपा ने गले में पहन और डांस करवाने लगी, और कभी सांपा ने ऊपर गिर जाती सांप मारे अजगर सांप गले में पैर नाचती, समाज रहा लोग जो देखता कहता अच्छा ए वास्ते तू पाली बेटी ने और बचाई कि तू बेटी की कमाई खा सके और बेटी ने इस तरीके से सांपा जैसे नचा सके। मेरा पापा बोले कि नहीं नहीं मैं बेटी की कमाई नहीं खा रही हो, मैं सिर्फ थोड़ा डर रहे मारे साथ ले जाऊँ मेरी बेटी ने कि कटी मार नहीं दो, नहीं तो मैं बेटी की कमाई क्यों खाऊं। बोले नहीं नहीं औरतें अच्छा आटो दे दे रोटियां दे दे कपड़ा दे दे ये वास्ते थे साथ रखो, तो बस मेरे पापा फिर मैंने घर छोड़ वो स्टार्ट कर दिया। शुरुआत जान पुष्कर कमाई हुई था कि बैठे सबसे पहले जो थे डांस जो करे हो, तो डांस क्या था ना पता चलो कि यार मन करना है या फिर शुरुआत क्या हुई भी किया बस वही हुई कि मैं थाने बता रही के बार मेरे पापा के साथ में मैं सफर साथ नाचती और जब पापा मैंने 2-1 सैलरी जब मैंने घर छोड़वा स्टार्ट करे तो मैं रोती मेरे पापा साथ रे लिए वे 8-9 घंटा साथ रहती जेरे लिए, और फिर मेरी माँ तंबू आडा पड़ दो लगा के बोले थे डांस करवा लिए रोनो आ रहे हो तो चल नाच ले, तो मेरी माँ गानों भी सिखाती और डांस भी सिखाती मैंने, तो मैं मारे जो जो जन्म से जो मारा नाम है वो है धनवंती। अब गुलाब की करे बताओ था ना? बिल्कुल बताओ, बिल्कुल जान बचाओ। बहुत कम लोगों ने मालूम है कि मारा नाम गुलाब कैसे हुए। 2-1 सैलरी जब मैं बीमार हुई बहुत ज़्यादा तो पापा डॉक्टर ले गया क्योंकि मैं पापा रो साथ छुट गयो, तो पापा रो सदमो ले ली मैं कि मैंने साथ घूमनो एकदम फ्रेंकली घूम रही हूँ रोटियाँ दे रही और ता दूध पिला रही प्यार लाड दे रही वे सारा छुट गया मारे से, तो मैं रो रो बीमार होगी और पापा जब मैंने डॉक्टर ले गया तो डॉक्टर मना कर दी कि नहीं ये लड़की तो बहुत सीरियस है ये तो बोला मर जाएगी और मरने वाली, बोला इसको घर लेके जाओ, डॉक्टर भगवान दास जी था वे टाइम पे, तो मना कर दिया। पापा बोले कि हमारी बेटी स्पेशल है डॉक्टर साहब नहीं मर सके, आप तो था ना 5 घंटा धरती माता रे पेट में रही जिद्दी नहीं मरी अबे कहीं मरेगा थोड़ी सी बीमारी हूँ, और फिर पीर बाबा रही धरती पे जन्मी उड़ी नहीं मर सके। मेरे पापा ने बड़ी उम्मीद ही और बहुत विश्वास रखता है पीर वासिया पे, और अजमेर दरगाह अजमेर ख्वाजा शरीफ के दरगाह में ले जाके मैंने लिटा दिया, और वटे से 1 घंटे बाद गुलाब रो फूल आए और मारे सीने पे गिरे और मौलाना साहब बोले कि बोला आपकी बेटी जिंदा हो गई इसको ले जाओ, तो मेरे पापा ने कहा कि मैं जो लेके आया था मौलाना साहब वो धनवंती थी, अभी जो मैं लेके जा रहा हूँ वो गुलाब है, बाबा के यहाँ से गुलाब का फूल आके मेरी बच्ची के सीने पे गिरा है और ये रोना स्टार्ट किया है, तो वो मैं आज मैं गुलाब को लेके जा रहा हूँ इस तरीके से मारो नाम गुलाब को। अच्छा, तो मैंने पूछा कि डांस कैसे स्टार्ट हो, तो मैं 7-8 साल रही थी तो पुष्कर मेला में मैं डांस कर रही है और बैठे मैंने हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे ये देखा है, तो भीड़ रे मायने मतलब यूँ तो मारा नाचवा कौन दे, सिर्फ होली रे दिना में मैं लुक छुपर नाच सका और आदमी लोग महाराज जो है वे घाघरा पैर और वे नाचवाने जाता जो कि भाई फागुन रो महीनो तो 1 महीने नाचला,
बाकी औरता को नहीं जाती, क्योंकि औरता तो घर में ही रहती, औरता ने बाहर निकल बो अलाउ को नहीं हो। तो मैंने छोटी सी की ना, मैं फागण रे महीने तो उठार ले जाता, सब नचाता, बाद में सब आँखियाँ बताता। मैंने कहा यार मैंने एक महीने तेलो खूब नचावे, लाड प्यार देवे, कचोरियाँ खिलावे, और फिर बाद में आँखें दिखा वो स्टार्ट हो जावे, है कई बात में समझी को नहीं आ चीज़। जिद मैंने ले जाता पुष्कर रामायण में, लुक लुक और छुप छुप औरता ले जाती, चल थने काजल बिंदी दिला देंगा और मैं भी कुछ शॉपिंग कर लांगा, पैसा होवे को नहीं तो बोले तू चल। ऐ तरीके से मैंने पुष्कर मेला में भी लेट जाती और लुक लुक कर नचाती रहती। पर एक दिन मैडम देख ली मैंने, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही, बड़े मैडम और हिम्मत सिंह जी आया, तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह जी, वे देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही, कई बातें आगे आर देखा तो मैं नाच रही, तो मैडम हक्के बक्के रहेगी कि अरे सपरारी छोरियाँ तो नहीं नाचे, पुंगी पर सिर्फ सपाने नच जाओ। आज पहला बार जो मैं सपरारी छोरे नाचते हुए देख रही हूँ। तो आन मर मारे काका जी ने पूछो, वो बीन बजा रहा कि भाई तू लड़की ने क्यों नचा रहे, थारे तो लड़कियाँ नाचे ही कौन, आप तो सांप नचाते हो। तो मेरे चाचा ने कहा कि साहब कहना मत किसी को, हम तो छुप छुप के आके नचारे बच्चे को, हमारे दो पैसे मिल जाए शॉपिंग कर ले। अच्छा अच्छा, तो भला ऐसे करो हम आपको और ज़्यादा पैसे देंगे, तुम ऐसे करो शाम को आके प्रोग्राम कर लेना स्टेज पे। तो प्रोग्राम क्या होता है वो हम लोग समझते नहीं हैं, तो इस तरीके से हम लोग शाम को प्रोग्राम करने गए, दूसरे रोज भी गए, तीसरे रोज समाज वालों को पता चला, भाई जो बमडर मचा, अरे भाई रे बोला तो जे चीज़ रो डर हो वही हो, आ छोरी तो समाज रे माथे रे ऊपर कलंग हो और ज्यादा ही कलंग लगायो, आ तो तख्ता पे नाच रही, जटे अच्छी लड़कियां को नाचे, अच्छी औरत नहीं नाचे वटे नाच नहीं, और भाई अभी थाने समाज से बाहर होना पड़ेगा। और ऐ तरीके से मेरा पापा पे दंड करियो बहुत भारी संख्या में, और समाज से बाहर कर दिया। मारा पापा डेरो लेन अलग चले गया कि बोले चलो कोई नहीं, मैं मारी बेटी की हेल्प मदद करूंगा, थाने बुरो लगे तो कोई नहीं, मैं मारा अलग रह लूंगा। मारा पापा अजमेर के पास में कोटड़ा गाँव में बैठा रहे, वो स्टार्ट हो गया बड़े रहता रहा। 15 दिन बाद मैडम रो लोग आया अठा से जयपुर से, मारा संपेरा बैठे रामबाग होटल में, सांपा ने नचावर लिए, वहाँ ने भेजा कि बोले पुष्कर में एक लड़की देख नहीं मैं, वो लड़की ने लेके आओ। तो मेरे समाज के लोग बोले भाई वो अजमेर के हैं, हम जयपुर के हैं, अब हमारी जान पहचान ही नहीं मैडम, आप तो हमारे पेट पे लात लगा रहे हो। बोले नहीं, महारानी गायत्री देवी जी ने के वो बंद करवा दिया, बोले इनका बैठना बंद करो जब तक वो लड़की नहीं आई। रामबाग में बंद करवा, रामबाग में बंद करा दिया उनका बैठना। सगाई भी बीच में शायद होगी ही, तो फिर बाद में बाद बचपन में होगी हमारी सगाई। फिर वो मारा बेटा पापा खाने आया तो पापा मना कर दिया कि भाई देखो हाथ जोड़ रहा थाने बोलूँगा, अब हमारी बेटी खटे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने समाज से बाहर कर दिया और लड़की भूल से नाची, औरता लेर गई, फिर भी मारा दंड जुर्मानो माफी हो कि थारी बेटी नहीं नाचती तो हमारी औरता नहीं लेन जाती, तो सारा जुर्मानो माफी हो, तो मैं नहीं अब नहीं भेजू। पर वह बात मैं सुन ली, मैं मारा भाई ने कि बोलो भाई साहब वो जो जो मैडम देखी है नहीं मारी परी मैम पुष्कर मेले में, वह मैम मैंने बुला रही जयपुर चला। मारा भाई साहब बोले बोले नहीं भाई समाज आला बाहर कर रखे आप कौन चला। मैंने कहा भाई साहब चलो नहीं, तो मारा बड़ा बड़ा भाई साहब है मैंने ले उठे सो और जयपुर आ गया। रात रात में लोग बस निकला घर से, बताया कि नहीं कोनी, और बस पकड़ी और घर आया। काई टाइम हो रात को बेटा? 1 बजे रात्रि 1 बजे मेरे लोग दोनों मेरे भाई चुप चुपा के निकला, भाई साहब मार से भागीजिए कौन जंगल रहा, मैंने गोद में उठाया मैंने, और फिर मेरे लोग हाईवे पे आ और दो बहन भाई हटे जयपुर आया। अब जयपुर आया तो मैंने वो पत्तो को नहीं रहना खट, तो पहली सुनता कि पितली फैक्ट्री पे काल बिल्लाना डेरा रहे, जोगियाना डेरा रहे, बट यार मेरे लोग रेवा ले गया। भाई साहब रक्षे लियो किराए पे, और फिर मेरे लोग रक्षा चलाया 15 दिन तक। रक्षे रे जरिए भाई साहब पूछता रिया सवार बेटी जाने के साहब टूरिज्म डिपार्टमेंट रो कोई ऑफिस खटे, आ मारा भाई साहब पूछता रिया। तो एक दिन कोई बापड़ो को भलो आदमी बताया कि 3 मूर्ति चौराहे पे है टूरिज्म डिपार्टमेंट रो ऑफिस, तो फिर भाई साहब देखना आया, फिर मैंने लेन गया, फिर मैडम से मिलाया, फिर मैं घरे गया, फिर हमारी जिंदगी रो सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर मैं प्रोग्राम करवा लगी टूरिज्म डिपार्टमेंट रो अठे जयपुर बॉम्बे कलकत्ते मद्रास इलारून जी रहा है बेना ही है तृप्ति पांडे जी ने इलारून जी रमा पांडे ये सारी सब देख रहे खुद ही अक्की बक्की रही कि तृप्ति तू तो बोला मैं मैडम रो अच्छा नाम लूँ वो बड़ी बहना है तो इसलिए मैंने तृप्ति बोले बोले तू तो ऐसा हीरो ले रही है कि मतलब वो तो खटी मिले ही नहीं कहते ना कि सेहरा में खिले गुलाब तो वो खिलते वो गुलाब ने तू उठार लाई है। फिर मैं जयपुर आई तो गुलाब से फिर हिम्मत सिंह जी बोले कि अब तो जयपुर राजधानी में तू आ गई है, राजस्थान की जो हमारी राजधानी जो मतलब पिंक सिटी है ये तो गुलाबी नगरी बोलते हैं हम लोग बेटा इसको है ना, तो आपका नाम भी पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं गुलाबी नगर की गुलाबी। तो फिर मेरा नाम पूरा कंप्लीट हो 18 बार बाद, पहले मेरा नाम गुलाबी हो फिर जयपुर में 18 बार में नाम हो मारो गुलाबी। तो बेटा फिर थे राजस्थान और राजस्थान का 12 हिस्से का प्रोग्राम शुरू कर दिया है कर वो, लेकिन फिर
अमेरिका को टूर किया हुई हो, अमेरिका कद गया है और वो बिको अनुभव किया हो अमेरिका में? पिचासी मारा जावर मौको मिलो मैंने अमेरिका में जब गई तो 85 में, और जावा से पहले एक रोज पहले मेरा पापा गुजर गया और मैं 2 महीना से दिल्ली ही बटे, और बटे से मैंने वापस ले आया पंच लोग जो खिलाफ हवे और रारट बताया कि छोरी अब थारो बाप नहीं रियो, अब थने बाहर नहीं जानो, विदेश में नहीं जानो, चील गाड़ी में बैठ नहीं जानो, अब थारो जानो आनो कैंसल और थारो बापरा 12 दिन होगा मेरे बाद ही तू घर से बाहर पग निकाली। तो मेरी माँ ने मैं बोली मेरे को माँ मैं तो 4-5 घंटा बेहोश पड़ी रही जैसे मेरे पापा ने बताई मैंने, पाछा ले आया दिल्ली से जयपुर अटलान बताया और फिर मैं 4-5 घंटा बेहोश पड़ी रही। फिर मेरे पापा जैसे सपने मार मैंने जगाया और मैं माँ से बात करी, माँ की बोली बेटा 12 दिन रे बाद ही जा सके, माँ पापा मारी इतनी मदद करता कहीं थे मदद को नहीं करोगा, थे मारी सपोर्ट को नहीं करोगा। तो मेरी माँ बोली बोली चल ठीक है बेटा तू जा, समाज ने मैं संभालूंगा और थारा पापा जितनी हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक माँ कैसी कम नहीं पड़े। जब मैं थारा धरती माता से निकाल ला सकूँ तो कहीं बेटा थे मैं विदेश नहीं भेज सकूँ, मैं जरूर भेजूंगा, थारा बाप रो नाम करना थाने और समाज रो नाम करना और देश रो नाम करना, तू जा। मैंने समझा और मैंने भेज दी मारी माँ और मैं अमेरिका चली गई और 2 महीना और 5 दिन से मैं वापिस आई। 5 दिन से समाज का लोग दिल्ली आया हमने लेवाने और पता था जब मैं अमेरिका में 2 महीना डांस करे ही बटे तो बड़ी बड़ी मैगजीना में बड़ी बड़ी बुका में गिनीज बुका में ना मैं नाम आ रहे हो तो अटे इतना बड़ो नाम हो गया राजस्थान में इंडिया में। समाज के लोगों ने बोले बोले तुम्हारी तुम्हारी बेटी वहाँ अमेरिका में, तो समाज के लोग नहीं 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 साहब वो कलंक है हमारे, वो हमारी बेटी नहीं है। बोले बोले उसने तो बहुत बड़ा नाम किया है भाई, तुम चाय पियो, चाय का गिलास उनके हाथ में दिया तब जाके विश्वास हो कर यार छोरी तो अच्छो काम कर रही है, अपन तो बोले बरोबर बिठा रहा है और चाय को गिलास भी हाथ में दियो तो नहीं तो ऊपर से चाय डालता, तो बोले तो अच्छो काम करो। तो ऐसे करते करते बात फैल गई 2 महीना रे मायने, समाज रे दिला में और समाज के लोग रे दिला में जगह हुई हमारे लिए और वे मारो बहुत बड़ो मान सम्मान करो। अमेरिका से मैं जब वापस आई दिल्ली वे समाज रा लोग दिल्ली आया और बड़ो मान सम्मान करो, घर लाया मैंने अठे समाज रा अध्यक्ष चुनाव मैंने एक ही चीज़ बोली कि बेटा थारे जैसी बेटी माने भी चाहे, थारे बापरी बेटी नहीं मैं तो भाई अब समाज की बेटी हूँ। बोले नहीं और बेटियाँ चाहे थारे जैसी, मको मारे जैसी बेटियाँ चाहे तो मैंने वचन दो आज की बात है कई बेटी ने नहीं मारोगा, थे जो बेटियाँ ने मारवारी पड़ता है बंद करनी पड़ेगी। और समाज रहा लोग समझ गया और मैंने हाथ में प्रॉमिस दियो और वचन दियो और वे लोग आज के वे 85 के बाद कभी बेटी ने नहीं मारी, वे क्यों आज के बाद हमें कभी बेटी नहीं मारा क्योंकि बेटी माने चाहिए थारे जैसी बेटी माने भी चाहिए बेटा। तो ए तरीके से हमारी पहला जीत हुई बेटियाँ ने बचा हमारी और अब मारे कोई समाज में बेटी नहीं मारे, एक एक घर में 5-5, 6-6 बेटियाँ हैं, वही बेटियाँ आज माँ बापा ने कमाने खिलावे, वही बेटियाँ आज ससुराल में कमाने खिला रही और पहला जीत हमारी आई हुई कि समाज का लोग सुधरिया और वे समझी और हमारे समाज की बेटियाँ जो मारता वह पर था बंद करी। फिर धीरे धीरे मैं घर में हमारी शादी हुई मारे पहले बेटी हुई मैं स्कूल भेजी मैंने, तो समाज का लोग बोले बोले बेटा नहीं बेटियाँ ने पढ़ानो नहीं क्योंकि वो पढ़ेगी लिखेगी पता नहीं खटे खटे जाएगी छोरा छापड़ा से मिलेगी बदनामी होगा। तो मैं बोली जो पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे तभी तो आगे दुनिया को समझ पाएंगे ना अपन। तो मैं समाज के साथ बैठी मैंने समझाया कि मैं देख इतने विदेशों गई अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ और कर पाती, मैं डर मारी साइन भी नहीं करूं तो वो डर कि भाई पता नहीं कहीं पर साइन करवा ले कोई, तो अपा चाहवा का अपनी बेटियाँ पढ़े बेटा पढ़े वो आगे बढ़े और दुनिया ने पढ़ा। आप पढ़े लिखे रहे मुझे 4 आँखें और अनपढ़ रही सिर्फ 2 ही आँख हो जो मैं थाने देख लूँ थे मैंने देख लो बाकी दुनिया ने को नहीं देख सका। आप यूँ कर मैं समाज ने समझाया हमारी बेटी ने मैं पढ़ाई मैंने इंग्लिश MA करवाया MGD स्कूल से पढ़ाया और वो आज राजस्थानी फिल्म हमारी हीरोइन भी है हमारी बड़ी वाली बेटी और क्लासिकल डांसर भी है और 5 बच्चा है हमारे 2 बेटा और 3 बेटियाँ तीनों बेटियाँ डांस भी कर रही है पढ़ भी रही है और हमारा बेटा भी बड़ो जो बेटो मेरा नाम डिनो बंजारा के नाम से सब जाने हैं फ्यूजन ग्रुप चलावे है और दूसरों वाला बेटो है जो वो मोटर बाइक रेसिंग स्टैंडिंग वगैरह करे और राइडर है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो 5 बच्चा टैलेंटेड है बिल्कुल। माँ इतनी टैलेंटेड है जो ना बच्चा तो टैलेंटेड हो बड़ा यार। देखो ईश्वर ने देन है गॉड गिफ्ट है जैसे ईश्वर ने मने में कोई पैसा दे डांस नहीं सीखी आज सिर्फ गॉड गिफ्ट है मैंने नाचती मैं पापा साथ सापरा साथ नाचते नाचते आ गिफ्ट मैंने मिली और मैं सपनी फ्री में बांटूँ और मैं पूरी मैं चाहूँ कि घर घर में गुलाबो हो वो डांस कभी ख़त्म नहीं हो और गुलाबो कभी ख़त्म नहीं हो बस हर बेटी में मैं गुलाबो देखो चाहूँ और हर घर में गुलाबो देखो चाहूँ।